हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नाउ योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, चैप्टर 4, डिंग डोंग। इसकी रीडिंग करके मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी, और आपको क्या समझना है इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे पोयम को रीड करना है, और 8 लाइन की पोयम आपको केवल याद करनी है। कॉपी में नहीं लिखना है, केवल आपको 8 लाइन की पोयम याद करनी है। इस चैप्टर को किसने लिखा था? एलिजा लीन फैलन ने लिखा था। किसने लिखा था? एलिजा ली फैलन ने लिखा था। पेज नंबर 31 पे ये पूरी पोयम आपको दी गई है, आपको रीड करना है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब हम समझेंगे क्या कि आपको एक्सरसाइज में क्या क्या करना है, कैसे करना है। वर्ड पावर, 3 वर्ड पावर दिया गया है। प्रिटी, प्रिटी मतलब लवली होता है। कनिंग, कनिंग मतलब क्लेवर, क्लेवर मतलब चलाक होता है। स्पिकल्ड, स्पिकल्ड मतलब स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब गोल गोल, जैसे यहाँ पे कैट है तो यहाँ पे गोल 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 यहाँ पे स्पॉट बने हुए होंगे, छोटे 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 गोल गोल स्पॉटेड, तो इसलिए वो स्पॉटेड कहलाते हैं। इसको क्या करना है, ये 3 वर्ड मीनिंग है, आपको केवल याद करना है, बुक से देखकर आपको केवल याद करना है। फिर क्या आता है, पोएट्री कंप्रिहेंशन। पहला क्वेश्चन क्या करना है आपको, बुक में करना है, इसमें बुक में ही आपको टिक लगाना है, कॉपी में मत लिखिएगा। कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है, कॉपी में आपको जो कॉपी में बताया जाए वो कॉपी में लिखा करिए, जो बुक में बताया जाए वो बुक में लिखना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, पोयम को रीड करना है। सेकेंडली आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग याद करना है। थर्ड आपको बुक में क्वेश्चन नंबर ए करना है, और क्वेश्चन नंबर बी भी आपको बुक में करना है। इसमें क्या करना है, द बर्ड सैंग अ सॉन्ग, क्या बर्ड गाना गा रही थी, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा पोयम। तो यहाँ पे देखिए पोयम में क्या लिखा है, यहाँ पोयम में लिखा है आई विल सिंग यू अ सॉन्ग, कौन सॉन्ग करती है, अ लिटिल बर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बर्ड क्या कर रही है, सॉन्ग कर रही है, क्या कर रही है, गाना गा रही है। द माउस रैन ओवर द टेबल, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, यहाँ पे आपको फिर से पोयम पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए माउस के बारे में क्या लिखा है, डिंग डोंग आई विल सिंग यू अ सॉन्ग, इट इज अ लिटिल माउस, क्या है, एक छोटा सा चूहा है। ही लुक्ड वेरी कनिंग, कनिंग मतलब बहुत चलाक दिखता है। एंड आई सॉ हिम रनिंग, कहाँ पे क्या कर रहा है, वो भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, अबाउट द होल हाउस, कहाँ भाग रहा है, पूरे घर में यहाँ भाग रहा है। तो यहाँ पे केवल लिखा है ओवर द टेबल, क्या केवल वो टेबल के नीचे ही भाग रहा था, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, वो पूरे घर में भाग रहा था। द लिटिल किटी वॉज प्रिटी, छोटी सी बिल्ली थी क्या वो बहुत सुंदर थी, बहुत लवली थी। तो यहाँ पे आप पेज टर्न करेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, माई लिटिल किटी सी इज स्पिकल्ड ऑल ओवर, मतलब उसके पूरे बॉडी पे क्या था, स्पॉटेड, स्पॉटेड, ये देखिए ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़े हुए, इसको क्या कहते हैं हम, स्पिकल कहते हैं। एंड आई नो यू आर लव हर, और हम सब क्या करते हैं, कैट को पसंद करते हैं। फॉर शी इज वेरी प्रिटी, क्या है वो कैट बहुत लवली है, प्रिटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, द लिटिल किटी वॉज प्रिटी। तो यहाँ पे आप क्या टिक लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। द पोएट थिंक दैट वी लव द बर्ड सॉन्ग, पोएट क्या ऐसा सोच रहा है कि हमें बर्ड जो गाना गाती है वो हमें पसंद आ रहा है, तो यहाँ हम पोयम में देखेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, डिंग डोंग आई विल सिंग यू सॉन्ग, इट इज अबाउट अ लिटिल बर्ड, ही सैट ऑन द ट्री एंड ही सॉन्ग टू मी, इट वॉज अ प्रिटी बर्ड। तो पोएट इस पूरे पोयम से समझ में आता है कि हाँ, पोएट को भी अच्छा लग रहा है, पोएट को बहुत पसंद आ रहा है बर्ड का गाना। तो पोएट क्या कर रहा है कि हम सब क्या कहते हैं, बर्ड के गाने को पसंद कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पोएट के सही सोच रहा है, ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये जो बताया गया है ये आपको कल करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे जो करना रहेगा उसकी हम आप फोटो क्लिक करके आपको भेज देंगे। थैंक यू। रेडी, लेसन नंबर 4, डिंग डोंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स रिसाइट। डिंग डोंग आई विल सिंग यू अ सॉन्ग, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी। इट इज ऑल अबाउट अ लिटिल बर्ड, ये किसके बारे में है, एक लिटिल बर्ड के बारे में है। बर्ड मीन्स चिड़िया। ही सैट ऑन अ ट्री, वो कहाँ पर बैठी थी, ट्री पर बैठी थी, पेड़ पर बैठी थी। एंड ही सैंग टू मी, और उसने गाना गाया। इट वॉज अ प्रिटी बर्ड, प्रिटी मीन्स लवली, वो कैसी थी, लवली बर्ड थी।
डिंग डोंग आई विल सिंग यू अ सॉन्ग, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा। इट इज ऑल अबाउट अ लिटिल माउस, ये एक चूहे की कहानी है। माउस मीन्स चूहा। ही लुक्ड वेरी कनिंग, कनिंग मीन्स क्लेवर, वो बहुत कैसा था, चालाक चूहा था। एंड आई सॉ हिम रनिंग अबाउट द होल हाउस, और मैंने उसे पूरे घर में भागते हुए देखा। डिंग डोंग आई विल सिंग यू अ सॉन्ग, डिंग डोंग आई विल सिंग यू अ सॉन्ग, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। इट इज ऑल अबाउट माई लिटिल किटी, किटी मीन्स कैट, ये किसके बारे में है सॉन्ग, किटी के बारे में, कैट के बारे में। शी इज स्पेकल्ड ऑल ओवर, स्पेकल्ड मीन्स स्पॉटेड, उसके उसपे स्पॉट्स थे, बॉडी पे स्पॉट्स थे। एंड आई नो यू विल लव हर, और मुझे पता है आप उसको बहुत प्यार करोगे। फॉर शी इज वेरी प्रिटी, वो बहुत ही ज्यादा लवली कैट है। थैंक यू।